मेरा घर है वो, कोई पुलिस थाना नहीं है। और तुमने मेरे साथ आके कोई जुर्म भी नहीं किया। नहीं वो कुछ नहीं, ऐसे। एक मिनट, आइए मैम। चलिए। लीजिए। हाँ। गुरुजी, अगर आपकी अनुमति हो तो सगाई की रस्म प्रारंभ की जाए। क्यों नहीं, बस शुभ समय में कोई 20 मिनट की देर है, फिर शुरू करते हैं। अरे भाई मिश्रा जी, अब आप हमारे परिवार में शामिल हो रहे हैं तो आपको हमारे नाते रिश्तेदारों को भी तो जानना चाहिए। आइए, तब तक हम आपको अपने मेहमानों से मिलवा देते हैं। जी वो सब तो ठीक है, पर हमारे समधी साहब कहीं नजर नहीं आ रहे। देखिए क्या आनंद जी, उनके साथ कोई है क्या दीदी? पता नहीं रे शगुन, इतनी दूर से कुछ ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा। तो चल तू। ये क्या बात है यार, आनंद हमें यहाँ छोड़ के खुद कहीं गायब हो गया। मुझे तो बहुत बोर हो रहा है इन लोगों के बीच। अरे किसी जरूरी काम से ही तो गया ना बेचारा, और वैसे भी आज उसकी बहन की सगाई है। वो अगर यहाँ पर होता भी तो थोड़ी ना पूरा टाइम हम लोग के साथ रहता। रखती भर भी कॉमन सेंस नहीं है तुम। देवर जी तो मुंह खोलने वाले नहीं, इन्हीं लोगों से उगलवाते हैं कि आखिर दोस्त है किसकी। चल। अरे तुम लोग यहाँ अकेले काहे खड़ी हो? खाने को कुछ स्नैक्स लिए कि नहीं? हम अभी मंगवाए देते। भेटर? नहीं नहीं यार थैंक्स, वैसे हम ठीक है। कुछ तो लीजिए ना। नहीं वो रणवीर गया है कुछ लाने, और आनंद भी बस आ ही रहा होगा। पर ये लड़का लोग से तुम लोगों का मतलब? तुम्हारी सहेली निमिषा वहाँ है, मिलने नहीं जाना का? माँ मैं अभी आई, वो मेरी सहेली आई है। निमिषा बैठ जा, बैठ जा। माँ पर निमिषा, मैंने कहा बैठ जा। वो एक्चुअली हम तो एक्चुअली हाय। आप सब लोग भीतर चलिए, रस्म शुरू होने वाली।